बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद बहुजूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज गार्डन और किचन एंड किचन साथ बहुका में हमारे पास है हमारी स्पैगेटी चाउमीन, है ना, जो अरीबा की स्पेशलिटी है। ये बहुत अच्छी बनाती हैं। हमारे सारे ख़ानदान में, हमारे मिलने जुलने वाले हैं, बड़ी मशहूर हैं इनके हाथ की, और सब इनसे रेसिपी मालूम करते हैं किस तरह की बनाती हैं ये। तो आज हम इनसे मालूम करेंगे कि कैसे बनाती हैं, ये आपसे शेयर करेगी सबसे। तो चले, हाँ अरीबा बताइएगा। सबसे पहले आप स्पैगेटी को बॉयल कर लिया, ठीक है, फुल पानी के अंदर बॉयल कर लिया। अच्छे खुले पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के इसको बॉयल करके इसको ड्रेन कर लें, और इसको अच्छे खुले पानी में वो कर दें ताकि चिपके नहीं आपस में। फिर आपने ठंडे पानी से इसको धो लिया जी, ताकि ये चिपके नहीं आपस में, अलग अलग हो जाए। फिर उसके बाद हल्का सा तेल लगा लिया आपने इसके अंदर, हाँ ठीक है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? ऑयल में जो है ना आपने ये वेजिटेबल्स फ्राई कर लें, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के इसको ब्राउन करके अलग निकाल लें। अच्छा, अलग निकाल के रख लें, और फिर उसी बाद उसकी ऑयल में आप ये लहसुन को सौते करके कर लिया। और उसी में ये लहसुन है हमारा रखा, ये बोनलेस चिकन है जी। तो ये तकरीबन 300 ग्राम है हमारा ये, और दो पैकेट स्पैगेटी के जी। तो आप इसमें सौते करके इसको फ्राई करें अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाए थोड़ा, तो इसमें काली मिर्च, नमक और केचप और चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका डाल के, ये सिरका लेना है हमें, ये चिली सॉस लेना है, ये सोया लेना है हमने, ये और ये केचप लेना है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी कितनी लेनी है इसकी, और ये गर्ज हमारी काली मिर्च अपने हिसाब से ले लें। हाँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हाँ, और जो है ये काली मिर्च जो है आप 1 टेबल स्पून ले लें, 1 टेबल स्पून और दो पैकेट स्पैगेटी में जी। सही है, सही। और तकरीबन इतना ही केचप ले लें, इतना ही केचप, एक प्याला तकरीबन केचप, तकरीबन 1 कप है ना जी, 1 कप। और ये सब चीज़ें, ये दोनों 2 टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून। अच्छा, सिरका 1 टेबल स्पून लेना है, और ये चिली सॉस और सोया सॉस हमने 2 टेबल स्पून ले लिया, सही है ना जी। और 300 ग्राम हमने ये चिकन ले लिया। चलिए, अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है, जो है ना मिक्स करके हाई फ्लेम पे, हाँ, और फिर उसी के बाद में वेजिटेबल्स ऐड करें, वेजिटेबल्स इसे फ्राई कर लें। फ्राई तो पहले करके रख लिया, उसके बाद अच्छा, अच्छा, इसके अच्छा, मसाले में ऐड कर लें, ऐड कर लें, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फुल आंच रखनी है आपको, फिर उसी में जो है ना आपको ये डालना है स्पैगेटी मिक्स कर देनी है, बॉयल की भी डालनी है। फिर इसको हाई फ्लेम पे खूब अच्छे से मिक्स करना है, हाई फ्लेम पे जी, और केचप भी उसे मिक्स कर देना फिर। हाँ, वो पहले मिक्स कर लिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो फिर इसको हाई फ्लेम पे मिक्स करके बस फिर रेडी सर्व है आपके लिए। सही है, रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व भी। चलिए, सही है, ठीक है। चले, हम नेक्स्ट उसमें दिखाते हैं आपको। चले जनाब, अरीबा के हाथ की मज़ेदार चिकन चाउमीन तैयार है ये, और ये देखें कितनी डिलीशियस और कितनी यम्मी लग रही है। मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी खुशबू इस वक्त फैली हुई इसकी रही है अमर। और देखें, इस वक्त मैं स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा, बड़ी अच्छी सी डिशेस सी खुशबू फैली हुई है इस वक्त यहाँ पर ये। जो इन्होंने सब्जियाँ डाली हैं ना, ये क्रंची क्रंची सी, इसका फ्लेवर बड़ा शानदार किस्म का। और मैं खा के बताती हूँ आप लोगों को कैसी लग रही है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाही। यकीन करेंगे बहुत यम्मी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी फैली हुई है, और इसका टेस्ट इतना अच्छा है, इतना लाजवाब है। ऐसे ही तो नहीं लोग अरीबा के हाथ की पसंद करते ना ये चाउमीन, जो है बहुत मज़े की बनी हुई है। आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हबीब से बहुत सारी मोहब्बतों की तजदीद के साथ, अल्लाह ताला हम आपसे, आपके महबूब से बहुत प्यार करते हैं, हमारी मोहब्बतों को कबूल करें, हमेशा अपनी नेमतों के साए में रखें, अपने करम के साए में रखें, और ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजते रहें और शुक्रगुजारी की तौफीक दें। अल्लाह हाफिज़।